Assalamu alaikum. Welcome to Bus Kardo Bus Returns, powered by Pepsi. कैसे चल रहे हैं रोजे? मजे आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत खुल के खाया पिया जा रहा है. फिर तकलीफें, फिर एसिडिटियाँ, फिर ये, फिर वो. वैसे शायर ने क्या खूब कहा है, बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जबान आ रहा है. क्या बात, बुजुर्ग का होना भी बहुत बड़ी नेमत है. वो कहते हैं ना कि जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं उन घरों में बरकत रहती है. भाई बाकी सारे घरों का तो मुझे नहीं पता, बाकी मेरा जो दोस्त है विकी, उसके घर में जब तक उसके दादा जिंदा थे तब तक बाकायदा बरकत थी. जैसे ही दादा मरे सब घर वालों ने मिलके मेरे दोस्त की फुफ्फो बरकत को घर से निकाल दिया. वैसे बुजुर्गों का कहना भी बड़ी खूबसूरत बात है यार. वो अक्सर कहते हैं खालिस सारी चीज़ें ना उन्हीं के दौर में हुआ करती थी. जैसे खाने की सारी चीज़ें हमारे दौर में होती थी, पीने की सारी खालिस चीज़ें हमारे दौर में होती थी, सेहत हमारे दौर में होती थी, हत्ता के मौसीकी भी बुजुर्गों के ही दौर में होती थी. अरे जब सब कुछ आपके ही दौर में था तो आप इस दौर में क्या कर रहे हो? वैसे हर पड़ोस में ना, हर मोहल्ले में एक पकाऊ अंकल जरूर होते हैं जो अपने किस्से सुना सुना के ना सबको पकाते रहते हैं. हमारे इलाके में भी एक बहुत ही पकाऊ अंकल थे और मुझे हर वक्त अपने किस्से सुनाया करते थे, अपने बहादुरी के और ताकत के किस्से. बेटा हमारी जो ताकत होती थी ऐसी होती थी, ये दूर से दुश्मन आ रहा है और हम उसको यूं गौर से देखते थे, भाग जाता था और सुबह सुबह बेटे के कहने पे दही लेने निकले हुए होते. भाई घर में तो कंट्रोल कर लो यार. मुझे एक दिन कहने लगे, बेटा मेरे में इतनी ताकत थी कि एक दिन इतना बड़ा बैल मेरे सामने खड़ा था, बैल ने मुझे देखा, मैंने बैल को देखा और गुस्से में मैंने बैल के सिंग पकड़े और यूं कर दिए, बैल को जमीन पे गिरा दिया. बस उस दिन अंकल मेरी नजरों से गिर गए. उसके बाद मैं उनको कभी नहीं देखता था, मतलब नजरें बचा बचा के निकलता था कि यार ये मिलेंगे किस्सा सुनाने शुरू कर देंगे. बुजुर्ग जिस घर में होता है टोकते बहुत है. लाइट क्यों खुली हुई है, पंखा क्यों चल रहा है, नल क्यों बह रहा है, इतना टोकते थे मेरे दोस्त विक्की. उनके दादा उसको हर वक्त टोकते रहते. एक दिन अपनी अम्मी से बोला, अम्मी मैं तंग आ गया, मेरी शादी हो गई, मैं बड़ा हो गया, अब भी मेरे दादा मुझे टोकते रहते, मैं क्या करूं? कुछ दिनों बाद मुझे विक्की मिला, मुंह लटकावा जा रहा था. मैंने, विक्की क्या हुआ यार, मुंह लटकावा है, दादा ने तुझे टोकना छोड़ा? कह रहा, नहीं यार, दादा ने कह दिया भाई टोकना नहीं छोड़ूंगा, तू घर छोड़. बंदा उस वक्त बड़ी बात करे जब बंदे की जेब में पैसे हो, मतलब घर वालों से पंगा उस वक्त लेना चाहिए जब वो खुद किराए का घर ले सके. चिट्ठी का टाइम हो गया मेरे ख्याल से, मेरे दोस्तों का खतवत पढ़ना चाहिए, देखें क्या आया. चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है. वो मेरे खुदाए, आज तो दो दो खत आए हैं. सुहेल फ्रॉम मीरपुर और असलम भाई फ्रॉम सच्चलकोट. चल भाई यार, ये अबे यार मेरे खुदाया, मैं एक दिन आके ना किसी दिन कोर्स कर लूंगा ये डब्बा बंद करने का, ताकि मैं अपने लाइव शो में ना परेशान. देखो कैसे हो गया, कैसे इंग्लिश जैसे ही बोला मैं सीख के आऊंगा उस दिन बंद हो गया. अच्छा जी, सोहेल भाई फ्रॉम मीरपुर, पहले इनका खत पढ़ते हैं. जी पहला खत है सोहेल भाई का, जो मीरपुर खास में है. कहते हैं कि भाई सवाल ये कि दानिश भाई, मेरी जिस लड़की से शादी हुई है उसका नाम और इत्तफाक से मेरी अम्मी का नाम सेम है. अब आप बताएं कि मैं प्यार करूं या लिहाज करूं? मेरे दोस्त सोहेल, मेरा मशवरा ये है कि भाई ना तुम प्यार करो ना लिहाज करो, बस एहतियात. मतलब यार भाभी का नाम बदल दो, मतलब फीलिंग खुद ब खुद बदल जाएंगी. ऐसा करो भाभी का नाम कतरीना कैफ है, प्यार करने में मजा आए. अच्छा जी, दूसरा खत सचल गोट से असलम भाई का. लिखते हैं, दानी भाई मुझे टीवी पे काम करने का शौक है बहुत, लेकिन टीवी पे काम करने का मौका नहीं मिलता, आप बताएं मैं क्या करूं? अरे असलम भाई, वेरी सिंपल भाई, ऑफिस का जितना भी काम मिलता है ना वो आप घर ले आए. घर जैसे लाएंगे, टीवी है आपका, टीवी रखे जमीन पे और टीवी के ऊपर बैठ जाए और फिर सारा काम टीवी पे करें. कैसा मौका मिल गया टीवी पे काम करने का? अरे भैया हमें खत लिखोगे, ऐसे प्यारे प्यारे मशवरे मिलेंगे. तो दोस्तों अब खत के बाद वक्त हुआ है किसका, ब्रेक का. तो दोस्तों हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं बस कर दो बस रिटर्न्स में आफ्टर द ब्रेक.
बस कर दो बस। वेलकम बैक टू बस कर दो बस रिटर्न पावर बाय पेप्सी। अरे ईद जैसे आने वाली है तो जितना भी पुराना स्टॉक था ना उसमें सेल लग गई है, टैन सारा सर्दियों का माल सेल में बिक रहा है ताकि जब नया माल अबे मानी चल रहा है, सेल वाली बात समझ याद आया कि सर्दियों का माल और सस्ता 70% ऑफ 70-80% ऑफ। 70 होता है लेकिन जब आप दुकान में जाओ तो मोजे के 70 होते हैं। मुझे हेरा लेकिन मैंने पूरा प्लान किया ना। क्या प्लान किया यार, ये आने वाली है यार। हाँ तो सर्दियों का स्टॉक खरीदते हैं यार। सर्दियों का स्टॉक खरीद के क्या करेगा अमेरिका के पाकिस्तान में तो सर्दी भी गर्मी जैसी पड़ती है। अरे नहीं यार मैं अमेरिका जाऊँगा, अमेरिका की एक ऐसी स्टेट में जा रहा हूँ सर्दी पड़ती है। अच्छा इसके ही बोलूंगी ऐसा कर, तू एक 3D चश्मा पहन लो, एक्समैन देख ले, अमेरिका भी हो जाएगा सीधे कपड़े भी खरीद। ये जो ना बिना एक मतलब कब हर दिन कपड़े, पहली फिल्म की शूट हो रही है उसमें भी अपने कपड़े पहन रही है। अब तो यार प्रोड्यूसर खुद देता है, वो देते हैं लेकिन इसको चाहिए नहीं, मेरे मेरे हिसाब से भाई मुझे अपने समझ आते हैं, मुझे किसी की समझ नहीं आ रही। सीरियल में अपने कपड़े सिलवा ऐसे यार। आप लोग बैठे लड़ाई लड़ाई माफ करें बाबा, हमारा स्टूडियो साफ कर दो, इधर इधर होके बैठे जरा। अच्छा ठीक है, और कैसे दाने साहब मजे में? मैं ठीक ठाक, सेल पे नहीं मुझे तो किसी ने दिया अभी फौरन आते ही 10 मिनट। और हेरा भाभी कैसी है? क्या भाभी, हम हेरा ही बोलते हैं आपको, आप हेरा बोले, हेरा बहन बाजी भाभी जो आपका। हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है नाम चीज जगह जानवर, कभी खेला तुमने? बहुत खेला है। आज हो जाए? हाँ हो जाए, चलो देखते हैं। नाम चीज जगह जानवर खेलने के लिए हम लोग रेडी हैं और मानी और हेरा से इंग्लिश में जैसे दिल चाहे यार, जहाँ से भी है, जहाँ से ABCD बोल। आपने स्टॉप बोल दिया, स्टॉप सी लो भाई सब। नाम कैसी से कैट नाम नहीं है, जानवर आएगा आएगा, कैट होता है ना। हाँ कैट नाम, वो कैट होता है केटी। नहीं नहीं कैट लड़कियों के फेसबुक ये अभी। अच्छा चूंकि नाम कैट गर्ल, अच्छा क्यूट कैट, नहीं कैट नाम नहीं है, ये तो लड़कियां रख रही है ना। हाँ तो अभी कैट नाम रख रही है, एक मनोज बिल्ली भी तो आ रही है फिर। जी अभी सी से कोई नाम नहीं, सी से कोई नाम नहीं है, चलो नाम हो गया चीज सी से। कैलिफोर्निया जगह, जगह जगह हो गई। जानवर बताएं, कैट 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 नाम, पाकिस्तान में 80% जो हमारे मशहूर अदाकार हैं खासतौर पर फिल्म के, जब वो हिंदी बोलते हैं एक वर्ड है इंग्लिश में जिसमें आप एक्सेंट आपका बकवास हो जाता है, कौन सा? डेली डेली कोई तो एक्सेंट नहीं है। आप बोलो ABCD। चलो मुझे एक बात, मुझे सबसे बुरा जो लगता है हमारे जो एक्टर्स एक लफ्ज बोलते हैं कि हमारी फील्ड में ही है, फील्ड प्रोफेशन बोल देते हैं, हमारे प्रोफेशन फील्ड से कुछ अजीब लगता है। और पेमेंट, फील्ड और मानी पेमेंट, पेमेंट ये भी बहुत गलत लफ्ज है, इसको बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में। जितने भी हमारे एक्टर सुन ले पेमेंट कोई लफ्ज ना इस्तेमाल करें, फील्ड कोई लफ्ज नहीं और बैंगलो कोई लफ्ज नहीं है, बंगलो है यार। आगे चलते चीज क्यू से चलो हो गया जगह जगह कोयटा, हमारा नाम अच्छे रखा है। जानवर बता दे क्यू से।
किधर भी देखो ये अंदर भी कर देते ना। हां थोड़े से उनसे कोई जानवर आता है नहीं कोई 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 तो आता होगा वो पीछे वालों को भी नहीं पता कि उससे को टॉक बैक टू सब साइलेंट कोरेला ऐसी झूठ बोलते हैं कोरेला का भाई कोरेला कोरेला बोलते हैं ऐसे गलत गलत नाम लेके कहते हैं उससे कुछ भी नहीं कोई का कोई क्वा क्यों आ क्योंकि चलो क्वाइट हो जाओ बेटर हां हां चलो ए बी सी डी एक पॉइंट बन गया भाई हीरा का तालियां नहीं बजाना रहने लोकेशन ढूंढने वाले आदमी आपकी कोई दोस्त आपको बोले और इसमें तो खूबसूरत आपकी कॉलेज की लड़की जो होती है उसकी शादी किसी इश्तियाक से होती है तो अजीब हो जाता है और वो मिलता है देखने की भी जरूरत नहीं होती नहीं लेकिन गाड़ी उसकी बड़ी होती है उसकी बड़ी सी हमन में नहीं नहीं एक नहीं 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 जी चीज नहीं आप बताइए ना आपकी इश्तियाक इश्तियाक हो गई नाम चीज आइसक्रीम खाने की चीज यानी कि जानवर आई आई नेल आई नेल आई नेल एक जानवर है ना जापान के अंदर जापान सर्द इलाकों में फिजाली के द्वारा बढ़ गया सर्द इलाकों में पाया जाता है आई नेल एक जानवर है आई नेल भाई सर्च करें जी इंटरनेट गूगल सब खोल नहीं यार जानवर नहीं अच्छा और जगह जगह इस्लामाबाद दोनों का एक एक पॉइंट हो गया है कि आप लोग एक आपने मिस किया जानवरों में हम लोग वो हैं जानवर मिस हो रहे जानवर मिस हो रहे क्यों यार पता नहीं शायद बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं हम लोग वो कुछ और जानवर आए वो सर्दियों के जानवर हैं नहीं कुछ अजीब सी अमेरिका के जानवर पढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी जानवर पर ध्यान ही नहीं है नहीं वो जो ओ लेवल है उसमें कुछ और लेवल की पढ़ाई हो रही है आप रिलेट नहीं क्योंकि हमने तो कुछ और पढ़ा हुआ है अभी मैं देख रहा था इंडिया में एक जू में एक आदमी वो कड़वी दवाई पी के कूद गया और शेर से हाथ मिला रहा वो शेर भी देख रहा है यार ये क्या हो रहा है साथ में हो गया और लोग वहां पत्थर फेंक रहे हैं पागल ये भी मारा गोरिल्ला उन्होंने जो गोरिल्ला मार दिया गोरिल्ला मार दिया तो क्या आपको क्या लगता है गोरिल्ला सही मारा या वैसे सही मार दिया बच्चा इंपॉर्टेंट था नहीं इंपॉर्टेंट गोरिल्ला तो बहुत सारे मिल जाएंगे सारे लोग गोरिल्ला के दुख में रो रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स को भी मार देना चाहिए जिनके हाथ से बच्चा गया मेरे ख्याल में सबसे लापरवाह लेकिन कभी स्कूल से गैप बंद करने फिल्म देखने या जू या यार इधर सफारी पार्क जू तो खैर हम कभी नहीं गए सफारी पार्क गए थे सफारी पार्क गए थे मुजम्मल को लेके यार नहीं नहीं एक दिन हम लोग स्कूल से बंद करके सफारी पार्क गए थे बड़ी बात है सफारी पार्क गए हमें तो पता नहीं कहाँ ले गए थे वो नहीं नहीं बंक करके टुल्ला मार के टुल्ला मार के गए किसी और ने बनाई होगी खुद बनाई हमें कैसे पता लगेगा आप ये शो कर रहे थे शुरू भैया मिल पाए मैं कहते बहुत ज्यादा भूख लग रही है और हमारे पास यहाँ बहुत कुछ रखा है खाने के लिए यानी आप जो चाहे खा सकते बहुत रेडी है हम लोग मैं खाता हूँ ये जब तक ये सब कुछ खा रहे हैं तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक बस कर दो बस रिटर्न पावर्ड बाय पेप्सी एकदम मानी मतलब फुल तो चाय पी रहा था मतलब प्यारा लग रहा है यार प्यारा नहीं रहा आजकल जरा काम कर रहा हूं क्या कर रहा जिम में जा रहा हूं जिम जा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है यार यार मैं बस सोच रहा हूं कि मैं हीरो शीरो जब जब सारे सीरियस अदाकार जो हैं कॉमेडी कर रहे हैं तो क्यों ना एक कॉमिक एक्टर एक्टर जो है वो सीरियस ड्रामा है सारे एक्टर्स होस्ट बन गए तो क्यों ना मानी भी है एक्टर उन्होंने बनाई कपूर एंड सन हम बनाएंगे शपूर एंड सन बिल्कुल ना हमारा लड़का ले उड़े लड़का ले उड़े हमारा लड़का हां लड़का हिट है और हमारे आजकल सारे जो 50 साल के ऊपर के लड़के हैं वो सब हीरो आ रहे फिल्मों में नहीं नहीं वो अच्छा वो फवाद खान आ गया तो उस जैसे बहुत सारे जो साथ में थे उसके उनके भी काम चलने लगे उनके भी चलने लगे और मैं तो अब तक देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में चाइना के फवाद खान भी काफी आए
अक्सर ड्रामे में सब बिल्कुल यूं है और यूं हुए हुए और बहुत देर में डायलॉग डिलीवरी है। हाँ, बहुत देर में। मैं किसी को बता रहा था कि डायलॉग है हेरा, फॉर एग्जांपल एक डायलॉग है कि एक जा रहा है और पलट के आप पूछना कहाँ जा रहे हो। हाँ, ठीक है, कहाँ जा रहे हो? सॉरी, टेलर से मिलने जाते हैं। अबे भाई बता दे, चला जा यार। हाँ, इतना यार, इसे प्रोड्यूसर भी बोलता है कि यार आराम से बोलना यार, ताकि हाँ, दो तीन किस्ते बढ़ जाएं। अब स्क्रिप्ट ही नहीं लिखा होता। अब हम एक गेम खेलते हैं। आज आए आए हीरा मानी दोनों जी, जी। काम ऑन, उठ जाए यार, क्या हो गया? काम ऑन। रेड और ग्रीन? रेड जी भाई। यार जितनी भी लड़कियां आ रही हैं वो रेड मार्क कर रही हैं, इससे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा भी क्या हुआ? अरे डिफरेंट है, करना क्या? ये भी प्रॉब्लम होता है ना, ये भी है। कहाँ साइन करना? अलग करें, बिल्कुल अलग है। साइन कर दो यार, ये किसी चीज पे, जूते पे साइन कर दो। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, मैं आपको चीजों के नाम लूंगा और आप लोगों ने सर्कल से ऐसे निशान बनाना है। तो जो पहले बनाएगा वो विनर होगा। और अब जैसे पता है कि हमारे पास बहुत जबरदस्त इनाम रखे हुए, वो देख रहा है बड़ा वाला इनाम बत्तियां जल रही हैं। क्रिएटिव हो गए यार लोग मानी। हां ये अच्छा है, ठीक है जी। डिफरेंट चीज, अब इस पे जो है ना आपने एक सर्कल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं यानी ये, अब आप रेडी हैं दोनों? हम दोनों ने एक साथ अटैक, एक साथ बनाना है, अटैक करना है। जो पहले अटैक करेगा वो विनर होगा। तो ब्रीफ केस का है? यस, ब्रीफ केस। नहीं नहीं, देखो देखो, यस हीरा, गुड गुड, ओके। पिंजरा? पिंजरा, यस गुड। रैकेट? रैकेट, रैकेट, यस। मैंने बनाया जो, ये देखो, फाइट फाइट होनी चाहिए। बॉल? यस, बॉल 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 बॉल, कम ऑन कम ऑन, बहुत इजी। बॉल नहीं है, पाइप है, वो पाइप है। सॉरी, ये बॉल नहीं, ये रग्बी है, रग्बी है, ये बॉल नहीं, ये बॉल। यस, स्कार्फ का है? स्कार्फ, 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 स्कार्फ। नो नो नो, अंगूर है भाई, क्या हो गया? स्कार्फ, कम ऑन, थोड़ी एनर्जी इधर उधर भागे। यस यस, गुड गुड। अच्छा जी, रस्सी? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। काम ऑन, रस्सी, रस्सी, ढूंढने वाले को अलग से नाम ढूंढे, ढूंढो ढूंढो रे साजना। काम ऑन काम ऑन, मानी करीब करीब है, हीरा थोड़ा करीब आए, मार्कर चलाए। यस, ओ एम जी, क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, अच्छा टैलेंट, टैलेंट है। अब देखते बेटा, ढूंढने वाले को अलग से 10 रुपए मैं दूंगा। सीढ़ी, सीढ़ी का है? गुड गुड। अच्छा तुम लोग जो है ना मोटी मोटी चीजों में टाइम लगा रहे हो, जो दूर है ना वो एयर बलून का है? एयर बलून, ये रहा। ब्रेड स्लाइस है? है, क्या क्या क्या? ये मैंने सुना नहीं था। ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस, ठीक है। डबल रोटी बोलते हैं ना? हाँ, डबल रोटी, यार मैं पढ़ के बता, कड़क वाली डबल रोटी। ब्रेड स्लाइस, चले। ट्रॉफी, 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 बिल्कुल लास्ट चल रहा है ये। ट्रॉफी, बट ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी, ट्रॉफी होती कैसी है? ट्रॉफी जो स्कूल में मिलती है फर्स्ट आने पे, कभी नहीं मिली ना उसको। बकवास नहीं करो। ट्रॉफी, कम ऑन कम ऑन, बहुत करीब है हीरा, बहुत करीब हो। जी जी जी, ढूंढो, चलो। यस, वेरी नाइस भाई, एक रह गया, एक रह गया, सही है। रेडियो? रेडियो, मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, रेडियो, रेडियो, मैंने एक लिया था, सबसे पहले दौड़ा था, मैंने देखा था। ऑलराइट जी, हाँ जी, नंबर बताएं, नंबर। द विनर इज, मेरे खुदाया मानी, मुझे लग रहा है हीरा जीत गई। मानी ने 3 चीजों पर सर्कल किया है और जबकि हीरा ने 8 पे। वैसे कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पे मियाँ बीवी की लड़ाई ना हो, और लेकिन खास तौर पे राशन लेते हुए कि ये लेना है ये लेना है, इसमें कौन नहीं, 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 लड़ाई कौन तो एक अलग चीज़ है ना। हाँ, लड़ाई तो पंगा है ना। तो इसने इतना डरा दिया है, इतना मेरा कॉन्फिडेंस शेक कर दिया है उस टोकरी में चीजें डालने के लिए कि मैं वो उठाती हूँ और पहले मैं देखती हूँ कि क्या मैं इसको डालूँ, क्या मैं इसको नहीं डालूँ, इसलिए वो सूरत हाल बनाई। बड़े मॉल में जाके आपका ये होता है कि आप 2 रुपए की चीज आप लेने जाते हैं और 2 लाख का बिल बन जाता है। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि मैं राशन लूं। नहीं, ये गलत है यार। अच्छा, एक देखो देखो देखो, सुन, गैर जरूरी चीजें ले लेते हैं। एक तो
राशन देने के लिए भेज, लेकिन पैसे कम दे। हाँ ये भी क्रेडिट कार्ड देके भेज देते ना, तो ट्रॉली यहाँ तक भरी हुई है, तो पता नहीं लगा। मेरे बच्चों का भी राशन जो चॉकलेट बिस्किट आती है वो दो दिन में खर्च हो जाती है, और वो ऐसे क्यों लाते हो यार? यार मैं तो खुद खाना शुरू जाती हूँ। ये इनके ड्राई फ्रूट खत्म नहीं होते देते हैं, और वो भी पिस्ते बादाम जो कहते हैं, बादाम तो सस्ते, पिस्ते और गलगोजे काजू, अल्लाह माफ करे, 1000 रुपए का गलगोजे मैं ड्राई फ्रूट बहुत खाता हूं। वैसे चिलगोजे की एक अच्छी बात ये है, तो छीलना पड़ता है, अगर छीलना ना पड़ता हो ना फिर तो ये लोग यूं कर देना। अच्छा यार, आप दोनों में प्यार बहुत है, और मैंने बहुत सारे शोज में देखा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए गाने वाने गाते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस वक्त व्यूअर्स देख रहे होंगे, मियां बीवी में प्यार कैसे बरकरार रहता है, क्या रीजन? ज्यादा सोचे नहीं इस बारे में, बरकरार एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोचे नहीं, मियां को बहुत दोस्तों से डिस्कस ना करें, अपनी भी जिंदगी की बात दोस्तों से जो बहुत डिस्कस करती है ना, तो फिर दोस्त कुछ और बताती है, फिर वो आप जाके अपने मियाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपकी दोस्त का क्या कपल है वो एक अलग सीन है, आपका क्या कपल है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे तो दोस्त भी ऐसे बेचारे जो क्या अच्छा हमारे तो दोस्त का भी सीन ये है ना कि जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गए, जी उनके उड़ गए, जी वो यूं हो गए, हमारी घूम रहे, हमारी एज पता लगनी चाहिए, हमारी एज क्या है। सीरियसली मैं मानी के जो फ्रेंड्स देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये तुम इनसे इतने छोटे थे, ये तो फ्रेंड हो ही नहीं सकते, ये इतने बड़े सफेद बालों वाले, तुम इनके साथ हो, टेंशन है इनके साथ, टेंशन है या फिर असली उम्र उनकी इतनी नहीं, तो फिर आपने बरकरार रखा हुआ है या फिर वो आप मानी, आप अपनी बीवियों को थैंकफुल रहे क्योंकि उन्होंने आप लोगों को जवान रखा। अच्छा, तो अब आपने सॉन्ग एक गाना है अपने मानी के लिए, और मानी आपने हीरा के लिए, लेकिन एक ही गाना होगा, नहीं एक दूसरे के लिए, हम दोनों के लिए गाना है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल माय प्लीज कि आप सोचे मानी हीरा है तो कौन सा गाना आपके दिमाग में, होस्ट बनने की सबसे बड़ी एक वो है कि आप इग्नोर मार के बेसुरी आवाज में गाना गाना शुरू कर दें। हाँ ये होस्टिंग का पहला सॉन्ग के सामने वाला बेशक गालियां दे रहा हो, ऑडियंस लानते नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपको भिटाई से पूरा गाना गाना है। कौन सा गाना गा रहे? कोई ऐसा गाना होना चाहिए जो तेज हो, कोई ऐसा गाना हो जिसकी आवाज ना हो, कोई ऐसा गाना हो जो तुम्हें मुझे देख के याद आए, ओ मेरे खुदाया, कोई बिल बिजली का बिल, अरे बचना हसीनों लो मैं आ गया, है बचना है हसीनों लो मैं आ गया, हुस्न का शिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना है हसीनों लो मैं आ गया, तड़का 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 तड़का, रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुमको उठा के तेरे बिना लगे न मोरा जी, रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी, ले जाएंगे तुमको उठा तेरे बिना लगे न मोरा जी। भाई भाई चलो जी यार, ये तो फुल गा गया, और अब अभी 3 मिनट बैठ के सांस लेंगे, के अंदर जो सीखा है कि पकड़ लो होस्टिंग के अंदर, ये कि बैंड आपके साथ होता है और आपको लगता है कि आप अकेले ही हो, अच्छा गेस्ट को आप कुछ ना समझो, गेस्ट को समझो, गेस्ट आया सही है, मैं आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊँ, शुरुआत है। हाँ यस, ये दोस्तों अब बता, आपने गाना भी सुना, गेम भी देखा, तो अब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, क्या ख्याल है? ब्रेक लिया जाए? तो दोस्तों
कहीं मत जाइएगा जब हेरा और मानी और दानिश नवाज यहाँ पे मौजूद हो तो आप लोगों ने जाना कहीं बनता नहीं है वैसे. मिलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद. बस कर दो बस. प्यार में दिल पे मार दे गोली दे ले मेरी जान. अरे प्यार में दिल पे मार दे गोली दे ले मेरी जान. बस यार ये वैसे पुराने गाने ना इतने इतने याद होते थे. शायरी कैसी थी ना? शायरी बहुत प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान. और जो शख्सियत जो आने वाली है वो ऐसी है कुछ. जो शख्सियत अभी आने वाली है वो ऐसी है. ऐसी है लेकिन उससे पहले पहले कुछ गेम हम खेलेंगे. ओके. अच्छा राशन वाशन खरीदने कौन जाता है आप दोनों में से? मानी. जैसे कि मानी जाता है हमेशा. और गाड़ी के सामान वामान लेने कौन जाता है? मानी ने गाड़ी चलाना सीखी है. हां 4 साल लाइसेंस मिला लिया. हां लाइसेंस ले लिया. मुझे तो जाली है वो. जाली नहीं नहीं बिल्कुल सही है. क्या हो गया? क्यों मुझे लगता है क्योंकि सबकी जाली थी तो वो. नहीं नहीं मेरे तो दो बने हुए. वो शकल देख के छोड़ देते हैं. अच्छा चलो अब यहाँ पे हमें गेम खेलना है. गेम का नाम है मुनासिब कर लो. अच्छा जी इस गेम में मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और कुछ फीसद में बताऊंगा कहां से कहां तक फीसद ये बात दुरुस्त है. तो आप लोगों ने फिर सोच के दोनों ने बताना है कि आप क्या कहने आते हैं. ठीक है तो आप लोग तैयार हैं? तैयार. जी हाँ मेरे भाई मेरे बेबा एकदम तैयार है. तो पहला सवाल, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग रोजे में दुकानदार से बिला वजह झगड़ा करते हैं? जवाब आपने देना है 20% से लेके 60% के दरमियान. 60% दोनों बराबर. पाकिस्तान में कितने फीसद लोग दुकानदार से बिला वजह झगड़ा करते हैं? 60% दुकानदार भी करते हैं. वो नहीं करते हैं. 60% ये सब कर ले. हम दोनों मिलके करेंगे अलग 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 बताएं. मैं तो 60% देख रहा हूं. चलिए जी आप बताएं. 40 हाँ 60 लॉक कर दें. लॉक कर दें. देखें जी स्क्रीन पे क्या आता है. यस 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 ऊपर 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 ऊपर. अरे ऊपर थोड़ा ऊपर. बस ऊपर नीचे थोड़ा नीचे नीचे. नहीं 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 नीचे थोड़ा नीचे नहीं थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे. तो हम थोड़ा ही बराबर है. बराबर है थोड़ा थोड़ा सा नीचे. थोड़ा 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 मेरा भाई. थोड़ा मेरा भाई. ये मेरा भाई. 45 यानी माने 40 का आता तो आप करीब करीब हर वक्त बाहर ही होते हैं. तो आधे वक्त रोड शो भी किए हैं जिंदगी में और फाइट भी की. फाइट भी की. और तो बेचारी बेगम को राशन भी नहीं दे रहा. हाँ मुझे लगता है बिला वजह की चीजें मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बिला वजह जरूरत नहीं जो दिखने में अच्छी लग रही है घर में किसी काम की. मतलब किसी काम की नहीं. अगर अगर आप चॉकलेट स्प्रेड भी ले रहे हैं बच्चों के लिए तो 5 कैसे भाई मैं वो महीने में ताकि ना लेने. अच्छा जी आपने जवाब करके दुरुस्त दिया है तो बादशाह सलामत आपको. खड़े हो गए ये मतीरा का डांस याद आता. लाइसेंस पे बात आई. पाकिस्तान में कितने फीसद लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं? 50 से 100 के दरमियान फीसद आप लोग जवाब दे सकते हैं. 50 से 100 फीसद के दरमियान. 50% 70% 70% बिल्कुल सही है जी. दिखाइए मानी मानी आज तो लकी डे चल रहा है माशाल्लाह. ये जो तुक्के हैं ना मानी
अच्छी बात है कि लॉस वेगास में हूं और ये माने के स्टेप डांस मजे का लग रहा है, इंप्रूव हो रहा है। आप देखो जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं डांस इंप्रूव होता जा रहा है, लेकिन मांगने का तरीका वही है। हाँ भाई, ये भाई हमने सारी जिंदगी पीटीवी के ड्रामे देखे, उसके अंदर जो बादशाह था वो एक बादशाह हमेशा जालिम था और मांगने वाले काजी बाजी होते। अरे मैंने एक ड्रामा देखा था, उसमें जो बादशाह था वो मांग रहा था, वो निहारी और नान खा रहा था और पूरे लोग बाहर बैठे थे। इतना इसका ग्रैंडर दिखा, निहारी और नान। शेरशाह सूरी होंगे अभी के। कितने फीसद पाकिस्तानी लड़कियां घर से बाहर मेकअप के बगैर निकलते हैं? 20 से 70 के दरमियान आप जवाब दे सकते हैं। जी हीरा, कम ऑन, दो सवाल रह गए अब आपने। कितनी लड़कियां निकलती हैं? कितनी फीसद पाकिस्तानी लड़कियां घर से बगैर मेकअप के बाहर निकलती? 25% 20 से 70 के दरमियान। क्योंकि अक्सर जो है वो पीआरपी करा रही हैं, कि उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी क्या कहते हैं वो चीजें डॉक्टर से अपने फेस पे करवा रही हैं कि उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ऐसा भी आ गया कुछ सब लोग कर के वो बाकी मेकअप फिर गया निकल गया। 40% लड़कियां बगैर मेकअप के अभी भी निकलती हैं, क्योंकि हमारे गांव देहात भी हैं। हाँ सही है, वो भी हैं। चालीस पूरी रिसर्च है इसकी, पूरी टीवी देख देख के। 25% कितने? 25% 40 जी, हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा है बताइए। अब मुझे डांस ही देखना। ये ले 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 ऊपर ले प्री प्लान्ड है ये सब। 54% मानी क्लीन स्वीप करते जा रहे हैं भाई। ये बात मानी का डांस चल रहा है। मानी वो रमजान का महीना है तो एकदम टेढ़े क्यों गए? रमजान का महीना है, निकले हुए चलते, पूरा मुल्क ज़कात पे चल रहा है। इतने बिलबोर्ड लगे हुए हैं, इतने मांग रहे हैं और हर फलाई और लगता है सारे इदारे फलाई हैं पाकिस्तान में, और इतने बिलबोर्ड लगे हुए, इतने लोग पैसे मांग रहे हैं और एक जगह से 70-70 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अमीर हैं या गरीब हैं। पता नहीं कौन सा मुल्क है, वो लोग अमीर हैं जिनके पास से निकल रहे हैं और वो लोग गरीब हैं जो बेचारे खुद अस्पताल बना रहे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या है कि दहशतगर्द जो है वो बम फाड़ रहा है, पॉलिटिशियन पैसे बटोर रहा है और पुलिस जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसको पकड़ रहा है। अरे यार वाकई में यार। अच्छा जी आखिरी सवाल, कितने फीसद लोग मोबाइल में अपने पसंद क्या पासवर्ड लगा के रखते हैं? अच्छा जी कितने फीसद लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हैं? 60-100% के दरमियान जवाब आप दे सकती हैं। 80% लोग। 80 जी वानी, क्योंकि मोबाइल घूमने का खतरा होता है, खर्चा होता है। 60-70 नहीं, 60-100 के दरमियान जवाब दे सकते हैं। हाँ तो 80% लोग। 80% क्योंकि पाकिस्तान में फिर वही गाँव देहातों में छोटे मोबाइल 35-10 टाइप के, ठीक है, उसमें भी कोड लगते हैं बॉस। सभी कोड लगते हैं, मेरी मेट के फोन में कोड लगा। हाँ हर फोन में पासवर्ड तो हर फोन में। 65% भाई मैंने बोला है 60%। नहीं नहीं आपने कुछ और बोला, मैंने 80% बोला। देखें जी हमारी स्क्रीन पे क्या आता है। या इस दफा तो मेरा इस दफा आपने जीतना चाहिए, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है आप बिल्कुल ठीक है। पीटी का ड्रामा था पुराना सारे गल नहीं चलो नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर 60 यस यस 91 आप जीत गई हीरा फाइनली। फाइनली एक अमीर मियां की बीवी आप हो चुकी, इसलिए आपका भी लक चल पड़ा। क्या बात। और अब अभी मैं लूंगी आपके। यम्मा यम्मा आगे शुरू।
माशाल्लाह भाई बहुत जबरदस्त, लेकिन ये क्या जीते कोई भी पैसे तो घर ही जाने। हाँ सही, हम दोनों के दोनों घर जाते। रमजान का महीना हर शो इस तरह का चल रहा है। है पुलिस? ओहो मेरे खाते छापा पड़ गया। इंडियन मूवी आखिर का इन्होंने साइन कर ली है। कैटरीना कैफ इनके साथ हीरोइन है। अरे राज ना खोलो, क्या हो गया? मैंने कहा बता दूं। अच्छा आजकल का सीजन चल रहा है कैसे? और सिक्स पैक इन्होंने अंदर सिलवा लिए। मेहनत होगी ना? हाँ मेहनत होगी, समझा करें मेहनत होगी। रमजान में फिर आप डाइट पे? नहीं सब अच्छा। हम समझे, आप कुछ बता भी दे। नहीं सब राज की बात है। राज की बात है। राज कौन है? आपका पड़ोसी है? नहीं वो मानी का पड़ोसी जी। तो यार क्या आज क्या बात करने आए आप? आज मैं बड़ा परेशान हो गया भाई, ये अपनी बहन की वजह से मैं आया हूँ अभी। अच्छा, और मुझे पता लगा कि भाई कैसा इंसान है। इंसान है माशाल्लाह, मुझे लग रहा है जान है मेरी ना करें, कितनों की जान है। अच्छा, ये जान थोड़ी सी बेईमान लग रही है आपको आजकल। आप भी उस पे अटके हुए हैं? मैं नहीं नहीं उससे आगे। अच्छा उससे आगे चले। तो डॉक्टर साहब क्या कहना है आप मानी को आज? मुझे लग रहा है आप कुछ अंदर की बातें इख्तलाफ में बात करने हैं। इख्तलाफ में नहीं, बस मैं इतना कहूँगा भाई सुधर जा। अब तो बिगड़ गए, अब सुधरने का लाइन पे आ जा। यानी कि आप ऐड है फेसबुक पे मानी के साथ? नहीं फेसबुक है नहीं ना मेरी। तो फिर आपको कैसे पता लगा ये बिगड़ा हुआ चल रहा है? मैं बस लाइन है। लाइन लाइन है, लाइन है। लाइन पे आ जा भाई। अच्छा लाइन पे नहीं, अब तो निकल गए लाइन से। अच्छा अब मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप लाइन पे? नहीं वो जो एक अगली आपको रिकॉर्ड कर रही हो फिर कौन लाइन पे? तो वीडियो चैट होती है ना, वो सब चलती है भाई। इसको स्नैपचैट पता नहीं कौन सी चैट खा गई है। सही, अब तो मार्केट में चैट से चैट करें। यार डॉक्टर साहब की बात मान लो, आ जाओ लाइन पे आ जाओ। ये कह रहा मैं कि ये मुझे अच्छा लगता है कि आप जो है वक्त के साथ सब बदल रहे हैं। मतलब नहीं ये अच्छी, मुझे वेरी गुड एडवांस टेक्नोलॉजी। टेलीविजन पे अगर आप, अगर आप एंटरटेनर हैं तो आपने मान लिया कदम। आप देखे ना हमसे बेहतरीन कौन है भाई? आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। करके दिखा दे भाई। कोई नहीं, कोई गब्बर सिंह हमें। हाँ कोई बन के दिखा दे। कौन आप हैं? वो स्टूडेंट है भाई मेरा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है स्टूडेंट। तो यार मैं मान लो मेरी बात, लाइन पे आ जाओ यार। मेरी बहन मेरे साथ है। खुल के बोले डॉक्टर साहब आज? नहीं आज। अच्छा खुल के बोले? खुल के ना बोले। खुल के नहीं बोलूं मैं, बहुत चीजों पर पर्दा डाल दिया मैंने भाई। हाँ। मेरे ख्याल से देखे मेरे शो में इस तरह की फड्डे ना करें। नहीं सुला करें, सुला करें। देखिए मैं देखे एक मुल्क में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, एक जबान बोलते हैं। तो मेरे भाई फड्डा कितना फड्डा नहीं तो फिर सेकंड करें। अरे मैं तो गले मेरे, हां मेरा भाई इसका मतलब दिल लंग। शकूर एंड सन्स में हम आप दोनों को लेंगे। कपूर एंड सन्स में दो भाई थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और देखें उसका हीरो भी नहीं। ओके तेरी कहानी का तू ही हीरो है। अपने स्क्रिप्ट को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मानी, थैंक यू डॉक्टर साहब। यकीन मानो यार, मतलब मुझे जब पता लगा कि आप लोग गेस्ट आ रहे हो तो मैं बिल्कुल टेंशन रिलैक्स हो गया। घर की बात है और बहुत अच्छा इंसान का पता ना सफर में चलता है, और हमारा पहला सफर तुर्की का रहा, बहुत मजा आया। मैंने मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दानिश के साथ मैं आई थी वापस, मानी वहीं पे थे हम लोग एक ही जहाज में। बड़ा मजा आया, कितना और लोग बातें करते थे, आप दोनों कितना बोलते हैं 6 घंटे में और दानिश बोलते रहे रिक्शे में। बड़ा मजा आया और बहुत जबरदस्त जितनी हड़ताल थी तुर्की में। कराची में देखी आप लोगों की हड़ताल? हां तुर्की में भी हड़ताल थी। कोई बात नहीं, आप भी हड़तालों में आए। ऑलराइट दोस्तों बस कर दो, बस मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल सेम चैनल सेम टाइम पे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बाय 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 बाय। बस कर दो बस।